इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के कुछ तरीके हैं, जिसमें बेसिक तरीका यह है कि आपको एडजॉइंट ए पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, अगर ये निकाल लें तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो हम इसी की चर्चा करेंगे। पहले आप ये समझिए कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का, ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो इनवर्स किसी भी एन बाय एन मैट्रिक्स का वो क्या होता है, वो ऐसा उसको हम प्रेजेंट करेंगे कि जब हम कोई एक वैल्यू ले ए या एक डिटरमिनेंट ले और साथ में हम उसको बी से मल्टीप्लाई करें, या फिर बी ले और उसको ए से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए इस एन बाय एन मैट्रिक्स का। ये दोनों जो है वो आपके एन बाय एन मैट्रिक्स है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहे कि सारे के सारे मैट्रिक्स जो होते हैं उनका इनवर्स नहीं होता। कई ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिनका इनवर्स नहीं होता। अभी आपने देखा कि जो ए इनवर्स होता है उसमें नीचे आपका डिटरमिनेंट आता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो डिवीजन में अगर आप जीरो डालेंगे तो काम नहीं बनेगा। यदि मैट्रिक्स का इनवर्स है तब हम उसे कहेंगे इनवर्टिबल। क्या कहेंगे? इनवर्टिबल। यदि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यह है कि रो बराबर कॉलम, जितनी रोज होंगी उतने कॉलम होंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जब हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे तो उसका इनवर्स जो होगा, जैसे मान लीजिए बी इसका इनवर्स है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, पहली चीज, दोनों का साइज सेम होगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और अगर आप बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे ए इनवर्टिबल है और बी इसका इनवर्स है ए का। यदि अगर आप कहें कि भाई ए सिंगुलर है, या इसको थोड़ा सा उल्टा समझें कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स बी नहीं मिला आपको जो जिसको मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका आई आना चाहिए या आई आएगा, तो आप कह सकते हैं कि साहब ये जो ए है ये तो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। इसको लिखते कैसे हैं कि अगर हम कहें कि ए और बी आपको आई दे रहे हैं तो इसका मतलब बी जो है वो ए का इनवर्स है। ये वाई से वर्सा भी है। अगर मैं इसको बी ए कर दूं, क्योंकि ए की मैट्रिक्स की बात हो रही है, ए और बी की ही बात हो रही है, और ये आई है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो ए है वो बी इनवर्स है। मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज है? पहली चीज ये है कि अगर आप कहें कि भाई हमारा जो ए मैट्रिक्स है ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो जो इसका इनवर्स, मान लीजिए बी इसका इनवर्स है, वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ए के साथ आप सी को मल्टीप्लाई करें तो ये भी आई आए, ये भी आई आए, ये नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। यदि आप एक ए इनवर्स लेते हैं और उसका फिर से इनवर्स कर देते हैं तो दोबारा जो मैट्रिक्स ए से आपने शुरुआत की थी वो वापस लौट आएगा। मतलब एक इनवर्स का इनवर्स वही मैट्रिक्स होता है। एक और चीज इसमें आती है कि अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हैं और कहते हैं कि भाई इसका पावर के है और मैं इसका इनवर्स निकालना चाहता हूं, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आप इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसे कह सकते हैं ए की पावर माइनस वन, यानी कि ये माइनस वन, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स, और फिर आप के को ऊपर डाल सकते हैं या फिर इनको एक साथ लिख सकते हैं ए माइनस के, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लीकेशन किया और इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू है ये जीरो नहीं है, तब क्या आएगा? अगर आप कहते हैं ये कांस्टेंट है और यहां पर ए मैट्रिक्स है और इन पूरे का मैं इनवर्स निकालना चाहता हूं, तो आपको करना क्या है, जब ये सी बाहर आएगा इसका मतलब बेसिकली ये सी इनवर्स ही तो है और यहां पर आपका ए इनवर्स है, सी इनवर्स का मतलब ये वन बाय सी ए इनवर्स हो जाएगा। ध्यान रहे सी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सी जीरो हो जाएगा तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि जीरो, किसी भी चीज का जीरो से डिविजन ये एक्सप्लेन कैसे करोगे आप, ये तो अनडिफाइंड है। अगर आप ए लेते हो और उसका ट्रांसपोज निकालते हो और उसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हो, तो एक ही बात है कि पहले आप इसका इनवर्स निकाल लीजिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, एक ही बात है। यदि ए आपका इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि कोई ना कोई बी ऐसा है जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, तो आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है, जैसे आपके लीनियर इक्वेशंस है, या आप सीधा कहें कि ए एक्स बराबर ये बी है, तो आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। किस तरीके से एक्स को कैसे निकालोगे आप? एक्स को निकालने का तरीका है यहां ए इनवर्स ले जाइए, यहां बी हो जाएगा। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत ध्यान से देखिए।
आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, इनवर्स निकालने के लिए ऊपर यानी कि आपको न्यूमरेटर में चाहिए एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, और इस एडजॉइंट ए को निकालने के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर आना चाहिए, और नीचे आपको डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। ये अगर आप कर देंगे, एडजॉइंट ए निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, दोनों को डिवाइड करिए और आपका ए इनवर्स आ जाएगा, ध्यान रहेगा आपको। तो सवाल उठता है कि ये एडजॉइंट ए आखिर है क्या, इसको हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमको आइडिया होना चाहिए माइनर्स और कोफैक्टर्स का। किसी भी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होता है, इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करेंगे कि ए लेंगे, ए जो आपका मैट्रिक्स है इसके कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाएंगे, किसके कोफैक्टर की, और कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करेंगे आप, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे यानी रो और कॉलम को बदल देंगे। माइनर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, मैं इसका एग्जांपल लूंगा। आप क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है और आप कहते हैं कि ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं, तो अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं तो आपको क्या करना है, अगर इसका कोफैक्टर निकालना है, पहले तो माइनर निकलता है, तो आप इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो रिजल्ट आता है वो आपका माइनर हो जाएगा, और जो कोफैक्टर निकलता है वो -1 की पावर i+j से निकलता है। i+j क्या होता है, ये आपके रो नंबर और कॉलम नंबर किस में आता है, जैसे ये सारी रोज हैं, ये एक रो, दो रो, तीन रो, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऐसे। तो i+j करेंगे, ध्यान रखिएगा -1 की पावर जो होती है, जब भी ये ऑड आएगा तो ये आपको -1 ही मिलेगा, और -1 की पावर जब आप इवन ले जाएंगे तो आपको हमेशा ये 1 मिलेगा। तो आपके पास ये एग्जाम्पल है, अभी इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ए इनवर्स में जो डिटर्मिनेंट है वो आपका कहां आता है, वो आपका नीचे की तरफ आता है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले इसका। पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप कोई भी रो, ये कितनी रोज है इसमें, 1, 2, 3 रोज है, कितने कॉलम है, 1, 2, 3, यानी 3 रोज और 3 कॉलम, आपके पास 6 ऑप्शन है। किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को लेके आप इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करिए, आपका वैल्यू निकल के आएगी। जब भी अगर आप मान लीजिए इस रो से ओपन करते हैं तो पहला वैल्यू जो होगी जैसे 2, उसके आगे नेगेटिव लगाएंगे, 4 के आगे पॉजिटिव लगाएंगे, 0 के आगे नेगेटिव लगाएंगे। मान लीजिए आप ये थर्ड कॉलम लेते हैं, ये कॉलम्स है, ये रोज है, तो अगर आप कॉलम लेते हैं तो आपका पहला वैल्यू प्लस होगा, दूसरा वैल्यू माइनस होगा, तीसरा वैल्यू प्लस होगा, कैसे निकल के आएगा देखिएगा। हम क्या करते हैं कि इसको सेकंड रो, ये मतलब ये वाला सेकंड रो लेके चलते हैं। तो सेकंड रो जब लेके चलेंगे तो आपको क्या करना होगा, जब ये एक एक करके बताता हूं आपको। सबसे पहले सेकंड रो ले रहे हैं, इसका मतलब पहले आपको माइनस लगाना है, ये सेकंड रो हो रहा है, तो पहले आप माइनस लगाएंगे, पहली वैल्यू क्या है 2, तो यहां 2 लिख देंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1-1 5 2 यहां लिख देंगे। इसके बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये 4 पे आ गए, 4 पे आ गए तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2-1-1 2 यहां लिख देंगे, ये 4 के आगे प्लस साइन लगेगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, आपकी 0 आएगी और उसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा, तो आप यहां क्या करेंगे, -0, और जब 0 लेंगे तो कौन सा रो और कॉलम छुपाएंगे आप, ये रो और ये कॉलम को छुपा देंगे, तो 2-1-1 5 आएगा। वैसे इसके आगे लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 0 है तो क्या 0 ही रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, -2 तो ऐसे रहेगा, ये 1 × 2 -5 × -1, ये, और 4 के साथ 2 × 2 -1 × -1, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये -2 आ गई। तो अभी हमने क्या किया कि डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये डिटर्मिनेंट ए की है। अब डिटर्मिनेंट ए हो गया, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि 2 का कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर क्या है, -1 का कोफैक्टर क्या है। तो कोफैक्टर इस 2 का बताता हूं मैं, कोफैक्टर क्या होगा कि इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 4502 लिख दीजिए, 4502। अब इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो आपको यहां से उठा देना है, यहां से। अब ये कैसे आया, ये आया -1 to the power i+j। i+j क्या है, कौन सा रो और कौन सा कॉलम नंबर है। जैसे मान लीजिए ये कैसे आया, ये आपका सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो मतलब ये है कि ए 2, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -1 की पावर 2+3 क्या हुआ जी, -1 की पावर 5, ये आपका माइनस होगा, इसीलिए यहां पर माइनस आया है। तो यहां पर आप जब ये 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो यहां पर पहले तो प्लस साइन देंगे और उसके बाद ये इनको छुपा के 4052 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 -5 × 0 8 आ गया। इसी तरीके से आप सारे वैल्यू निकालेंगे, पहले 8 आ गया, अगला देखिए आप, अब हम किसका निकाल रहे हैं, ए 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो 1 को छुपा दीजिए, 2-1 0 2, और आपको पता है ये क्या साइन आएगा इसका, माइनस, तो माइनस में ये साइन आ गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -4 लिख दीजिए। नेक्स्ट वाला क्या होगा, -1 का कोफैक्टर निकालेंगे, -1 के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए, और क्योंकि -1 का जो कोफैक्टर निकालेंगे तो आपका वैल्यू यहां पर माइनस
वन नहीं, कुछ भी लिखना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन ये माइनस वन टू किसी का नहीं लिखना है, ये माइनस वन का निकालना है तो उसका कोफैक्टर ये आएगा, तो टू माइनस वन फोर फाइव, और साइन कहाँ से आया, यहाँ से लिया हमने, यानी कि माइनस वन टू तो पावर आई प्लस जे, ऐसे लिया, रो नंबर कॉलम नंबर को जोड़ देंगे तो 14 आ गया। तो इसी तरीके से एक एक करके हम जैसे 2 का निकालेंगे कोफैक्टर, ये माइनस सेवन आ गया, ऐसे आपका 4 का निकालेंगे आपका ये 3 आ गया, ऐसे नेक्स्ट वाला 0 का निकालेंगे तो आपका एक कोफैक्टर आएगा माइनस इलेवन, ऐसे माइनस वन का निकालेंगे आपका 4 आ जाएगा, ऐसे 5 का निकालेंगे नेक्स्ट तो आपका माइनस 2 आ जाएगा, ऐसे 2 का निकालेंगे तो आपका ये फाइनल 6 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है कोफैक्टर की, किसका है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स आ चुकी है साहब आपकी। अब क्योंकि आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है कोफैक्टर की, मैंने बताया था कि जो एडजॉइंट ए होता है, मतलब मैट्रिक्स कोफैक्टर का आ गया आपके पास, डिटरमिनेंट भी आ गया, मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ये होता है कि इस, ये जो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है इसका, ये मान लीजिए ए है तो इसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ये रो को आप कॉलम लिखेंगे, यानी ये जो रो है ये कॉलम बन चुकी है, ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी और ये रो जो है ये कॉलम बन जाएगी, ये हो गया आपका, और डिटरमिनेंट इसके नीचे आ जाएगा, मतलब बेसिकली हमने यही किया है, माइनस टू से डिवाइड किया, ये माइनस हाफ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, माइनस हाफ को अंदर ले जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे एट इंटू हाफ या माइनस हाफ को पूरा ले जाइए, एट इंटू माइनस हाफ, माइनस सेवन इंटू माइनस हाफ, फोर इंटू माइनस हाफ, तो एट इंटू माइनस हाफ हो गया माइनस फोर, सेवन माइनस सेवन इंटू माइनस हाफ हो गया प्लस 3.5, फोर इंटू माइनस हाफ हो गया आपका ये माइनस टू, ऐसे बाकी सब कर लेंगे, ये आपका इनवर्स आ गया, क्लियर। इस तरीके से ये ए इनवर्स या फिर कहें कि इनवर्स निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का।